तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो। मिठू जी वेरी गुड मॉर्निंग जी, आनु स्वागत है, सत श्री अकाल। शुक्रिया जी, सारे सत श्री अकाल जी। फर लो तो शुरू कर लेने। हाँ जी, डेरा मुखी नु राहत मिली है। हाँ जी, शुरुआत होगी, की कहना चाहोगे इक्या दिन की? जी, दो तीन दिन पहला आप गल कर ही रहे थे कि इन्हें शायद अप्लाई किया, मतलब कि उदो कानूनी कार्रवाई जी आरंभ हुई होगी मेरे ख्याल के नाल, तभी वो चीज जी कि ना कि चर्चा का विषय बनी। तो गल यह है कि फर लो, एक तो हूं देखो रेगुलर पैरोल जिन्हों कहते हैं, तो थोड़ा जहां पर हूं डिफरेंस हों, मतलब कि पैरोल हुंदी है रेगुलर पैरोल जिन्हों आप कह दें कि जिदा कोई जमीन किसी के नाम है उन्होंने दो छुट्टियां दे देंगे ने, मतलब कि उदो शायद 40 days की एक छुट्टी होंगी सी, तो दो छुट्टियां देंगे ने साल च, तो वह होगी रेगुलर पैरोल कि किसी कैदी की बनती छुट्टी। एक होंगी फरलो, फरलो मतलब कि जेल का जो प्रबंधकी ढांचा वो अपने पद्धर पर दे सकता है कि हाँ नेक चलनी है जी, फलाया धमकाया सारा कुछ तुम देखे ही है कि कांग्रेस बोलते पे ने। परसों रणजीत सिंह का आया कि बयान, जे जेल मंत्री है और कमाल की गल है कि चटाला रणजीत सिंह ने भी, रणजीत सिंह जी अच्छा वो कह रहे सर कि पैरोल या फरलो जोड़ा है वो कैदी का अधिकार है। बिल्कुल गल सही है, दुरुस्त है जी, बिल्कुल गल सही है कि पैरोल से जो फरलो वगैरह है ये हरेक कैदी का अधिकार है, वो मंग सकता है। हम देना या ना देना वो कि हथ है, ये दूजी गल नहीं दसते, वो कि हथ है पैरोल मंजूर करनी ना मंजूर करनी, ये कि हथ है, ये है लॉ एंड ऑर्डर जिहड़ियां एजेंसियां चलाउंदियां ने जी, या जिहड़े अथॉरिटियां वाले इनू कंट्रोल करदे ने जी, तां सारा फंड इहदे हथ तों कौन है जी, वो कौन है, वो अमुख दी गवर्नमेंट, क्योंकि दो मरतबा अगे दो तीन मरतबा यदी पैरोल जी है हार्ड की गई थी लॉ एंड ऑर्डर की होंगे, वह भी तुम मैं समझा दिना, जिम्मे सिद्धू मूसेवाला कहें मैं डॉक्टर मेहमान, तो आप भी मतलब कि साड़ी सेवा तो यह है ना, इतने हम तो कह नहीं सकते कि अभी डॉक्टर हाँ, मतलब ये है कि जिदा ला लो हूँ मैं, मेरा पिंड है गुरुसर जी का, ज कोई भी ला लो ABC पंजाब का कोई भी पिंड आ, मैं जेल के पैरोल या कोई भी फरलो लेंगे तो मैं कितने आके रहांगा, जो मेरा पक्का एड्रैस है परमानेंट एड्रैस मैं उसे अप्लाई की जी अर्जी दी है जो मैं अप्लाई करनी जो लिखा वा अच्छा, हूँ उतो एक रिपोर्ट होएगी, पुलिस रिपोर्ट होएगी मेरे लोकल पुलिस स्टेशन को, लोकल पुलिस स्टेशन को होएगी जी मेरे ख्याल के नाम SSP के मार्फत, मतलब कि जेल प्रबंधकी ढांचे को पहुंचेगी कि जे ये बंदा इतने आ जाता तो सब तो पहला किनू पुछणगे, मेरी पंचायत में पुछणगे कि इनू शहर तो आपको लुटा ला, मैं तुम पिंड के हिसाब से दस रहा कि मेरी पंचायत को पुछणगे भी बंदा यार बाहर आ जाए कि तू पिंड दे विच, जे उसे पंचायत ही कह देवे कि इह तां सिरे दा बहुत कपटा आदमी है, एक अगे मारिया तू एक अग फिर मार दूगा, उत्थे कम खराब, या पंचायत कह दे भी भाई असं इसकी कोई जाम नहीं भी लेंगे भज जाएंगे एक कुछ कर देंगे किसी को धमका देंगे असं कर गया, जे पंचायत कहती है कि हाँ जी कोई गल नहीं आने दो तो फिर थोड़ा थाना लिख दिता, DSP लिख दिता, SSP लिख दिता, मैं इन कहते पुलिस क्लीयरेंस रिपोर्ट कहते लॉ एंड ऑर्डर का मसला इस तरह का। हूँ यहोजे केस के स्पेसिफिकली जे आप केस देखिए तो इस केस के होंगे कि जिम्मे हम कमिश्नर आ गया किसी शहर का बंदा आ गया तो गल उ शुरू होनी है, प्रोसीजर उही है जी जी, कि भाई ये बंदा जे आ जाएगा तो सानू इत कोई खतरा नहीं है भी आने कोई नहीं, वो जिम्मे कहता मैं ते विह च नचता फिर उन्हें कहा जिते 200 नचता फिर तू भी उसे कल भी क्या पूरा जी जी, फिर की फर्क पैना, तो कहने का मतलब यह कि भी दुनिया दूजी की तुरी फिरती है जे आ जाएगा कोई फर्क नहीं पैदा, जे मान लो हूँ हाई प्रोफाइल मामले चे पुलिस अफसरान दो बार ही कह चुके हैं कि नहीं जी लॉ एंड ऑर्डर दा ते लग जाएगा, तीजी बारी तुम एक रस्ता कढ़िया फरलो वाला झंझट ही खत्म कर दी, छोटी जी फॉर्मैलिटी से पूरी हो गई, छोटी जी फॉर्मैलिटी थी क्योंकि तुम वो करनी थी, बिल्कुल तुम वो करनी थी पहला तुम ना की, हम जो वोटा आ गई ना कर दी गल पे बस
मसला तो वोटां दा जी, वोटां आ गईयां ते हाँ हो गई, हुण वोटां की प्रभाव किहदे पासे नूं भुगदियां ने, इह तां जग जाहिर है। सो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का एक खबर साझी करके गए ने अमन जी कि दो कलाकार ने राजनीति विच होर उन्होंने छलांग मारी है, की कहना चाहोगे? देखो हॉबी तालीवाल ते माही गिल दोवें माही गिल हाँ पछाने हुए आर्टिस्ट ने। हॉबी तालीवाल, हॉबी तालीवाल बेसिकली सिंगर सीगे इन्हां दी मेरे ख्याल दे नाल कैस्ट दा, क्योंकि इन्हां दा जमाना सी झिड़क दित्ती मित्रां ने। अच्छा, मैं वह कैस्ट सुनी सी झिड़क दित्ती मित्रां ने। हॉबी तालीवाल सिंगर सी। अच्छा जी, तो चलो फ्लॉप हो गया, उस तो बाद हो जाता जी, कोई वड्डी गल नहीं। वड्डे वड्डे कलाकार शुरुआती दौर च संघर्ष करते हैं, पर उस तो बाद पता नहीं कितने रहे ने, कितने नहीं, मैं उस सफर का नहीं पता। उस तो बाद फिर फिल्मा च आए ने, तो फिल्मा च तो छा गए, इन्हों की बड़ी रोगदार परसनैलिटी है, वो वाल बीते थे अच्छा मुकाम से अगे चले गए ने भारतीय जनता पार्टी की। देखो कोई कोई छुआ छात थोड़ी है उससे भारतीय जनता पार्टी के, जेड़ा जाके मर्जी बह जाए। हाँ, नहीं नहीं, पार्टी कोई ऐसी थोड़ी, ऐसा थोड़ा है कि कोई भाई रोक रोक हो गया। गल ये है कि असल दे विच साडा काम की है कि असी लंबना खबर की खबर। हाँ, उसका की कारण हो सकता है? अच्छा, ये विच की है कि ऑन रिकॉर्ड फैक्ट ही दसांगा, कोई चीज जी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होगी। गल की है कि इतों एक मुंडा फड़िया गया सी, उसका नाम सी गुरदीप सिंह राणा, नशा सी कोई क्वांटल दो क्वांटल नशा फड़िया गया होना, कोई ज्यादा नहीं सी, थोड़ा ही। अच्छा, वह फड़िया गया, वो भी जदों फिर एसटीएफ ने रिपोर्ट पेश की सी, तो जिक्र आया सी विशेष तौर पर एक्टर साहब का कि दरअसल उमरा मंगल के नाल वो बंदा ये थ्रू मिलया सी, और बाद दे विच मतलब कि पुलिस अफसर तक कुड़ियां भी पहुंच गई, मॉडल्स उन्होंने जिक्र किया गया, और वो रिपोर्ट जी है वो रिकॉर्ड से पई है, जो मर्जी उन्होंने एक्सेस करके पढ़ सकता, जो मर्जी। मैं तो ही कह रहा ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि इज्जत का मसला होंगे, असं किसी भी किरदार कोशिश नहीं कर सकते। खैर, तो यह ऑन रिकॉर्ड से। एक सी मसला पटियाले वाला, पटियाले दे विच जेल सुपरिटेंडेंट इन्होंने कर दिता सी मेरे ख्याल दे नाल सस्पेंडेंट, क्योंकि परमराज उमर मंगल दीआं मुलाकातां उत्थे खास बंदियां नाल करवाईआं जा रहीआं सी, उह वी ऑन रिकॉर्ड आ, ते उहदे विच वी एक्टर साहब दा जिक्र सीगा कि सारा कुछ इहदे वाया हो रिहा। अच्छा, फिर गल जिहड़ी आई मेन जिहड़ी गल सीगी उह इह सी कि इस मामले दे विच ईडी वी इनवॉल्व हो गई सीगी, कुछ वी नहीं पईआ, ईडी इनवॉल्व हो गई सी, 4-5 करोड़ रुपए दा मतलब लैन देन सी, जरा एक्टर है इन्होंने कुछ फॉरन ट्रिप जेड़े है वह भी मतलब रडार पे सन। सो यह बड़ी हो सकता कोई मतलब कि इतफाक भी हो सकता है कि सारा कुछ इधर होया, उदो असं भी टैलीफोन करते रहे हॉबी वाशन लैन वास्ते, इन्होंने साडे मैसेज पढ़े बकायदा वट्सअप से, पर सानू मतलब रिप्लाई नहीं किया, कुछ सवालों की लिस्ट भेजी थी दो तीन पत्रकार ने इस मामले के मुतलक कि भाई तुम क्लैरीफाई करो इन चीजा ने, क्योंकि तुम इंडस्ट्री के सजे होंगे हो, बट उस टाइम फिर इन्होंने चुप कर ली थी जो एस टी एफ वाली रिपोर्ट आई, वो सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड आया। तो हो सकता भाई कई बार यह होंगे कि किसी का भी मामला कोई लट गया हो, लाहा मतलब कि पार्टियां चुक दियां या सरकार चुक दियां, यह भी हो सकता, एक एंगल है। मैं नहीं कहता, मैं ये कोई पुष्टि नहीं करता, मैं तुम्हें दस दिता है कि यह कहानी थोड़ी जी इस पास की जोड़ी जाती है, क्योंकि जो अभी गल करते हैं भाजपा की तो साढ़े यकदम आता है कि यार ये बंदे की भी कोई ना कोई कमजोरी होगी, जी उन्होंने लग जाए इदा करके पै जाए। तो ये एक मतलब कि जी ऑन रिकॉर्ड गल है वो मैं तुम्हें दस दिखती है, हूँ बंदा कोई खुशी ना भी पार्टी ज्वाइन कर सकता, यह भी मैं कहूँगा हो जाता, क्योंकि तो विचार बदल जाता है, सवेरे बंदा किसी होर धर्म का शाम नु कोई होर धर्म अडॉप्ट कर लेंदा, बदलिया बंदा थोड़ी बदलिया, धर्म बदल लेंदे लोग विचार, नहीं नहीं बंदे का विचार बदल गया। हाँ, विचार बदल गया, वो पहला मन लो कोई पाठ पूजा करता सी, बाद विच नमाज पढ़ लग गया, विचार ही बदल गया, एक पद्धति बदल गया, एक तरीका बदल गया, विचार बदल गया, कुछ नहीं बदलता। सो हो सकता विचार भी बदल गया हो, पर इन्हों एक वीडियो जी है वो अपनी सुन लेनी चाहिए है, पर सुन के मेरे ख्याल के हॉबी जी को जो भी प्रधान सेवक को जान उन्होंने जरूर पूछन, जो वीडियो पूछ रहे हैं
ਪਤੰਦਰ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਟਾਇਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੋਇਸ ਆਫ ਸਿਟੀ 1320 ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਡਮ जितना हरेक एक्टर एक्ट्रेस का ख्वाब होंगे, तो वह क्यों गई है हम इस गल का जवाब दे सकती है क्यों, क्योंकि राजनीतिक तौर पर या आप सोशली देखिए कि इन्नी ज्यादा इतनी बिखरी नहीं, हालांकि मैं लगता कि किसान भी यही ला ला बेटी है, किसान की बेटी है, वो किसान घर चो किसान फैमिली चो पेंडू बैकग्राउंड तो हाँ, बट ओदा मैनू ज्यादा पता नहीं। मैं समझ तो कि मैं हाँ जी कई बार बंदा होंगे कि मैं एक्ट्रेस खास मामले के लिए अगला सवाल जेड़ा आपा अनाउंस कर चुके सारे वैसे लीड करते हैं कि हो जाएगा सीएम फेस, क्योंकि जो दो सीटा ते बना दिता सीगा उन्हूं अहुदेदार चन्नी साहब नूं और नाल दी नाल जेड़ा प्रचारक जी लिस्ट सीगी उहदे विचों उहनां दा नां कट्टिया जाणा नवजोत सिद्धू होणा दा, उदों इशारा करदा सीगा कि चन्नी जिहड़े ने उह अनाउंसमेंट उहनां दी होवेगी, और ताबड़तोड़ हमले भी किए ने और काफ़ी जोश दे विच रहे नवजोत सिद्धू ते सीएम फेस बन के फिर उस लैवल की अपनी जी प्रक्रिया शुरू की है चन्नी उन्होंने ढाबे ते पहुंचे ने। हाँ जी की कहना चाहोगे, दो सीएम फेस बनाते आप देख लो, पहले दस दिता कि भगवंत मान आ रहा फिर चन्नी आ रहा, हूँ जे कोई होर किसी ने कहना हो दस दस दौ असी भी दस देंगे कि जेड़ा ले आ रहा, पर हूँ मेरे ख्याल के नाल तीन ही रहेंगे, सुखबीर सिंह बादल, भगवंत मान ते चन्नी सिंह जी, ये तकोनी रहेगी हूँ। उस तो बाद मैं कैप्टन जो है आज नहीं, वो मनजिंदर सिंह सर का कहता नहीं है साडा पायलट नहीं हो देखो चंगी सिंह चन्नी ढाबे ते पहुंचे है, उत्थे ओह कहिंदे कि भुख बड़ी लगी है यार, रैली तो बाद भुख बड़ी लगी है, हां नूं जो हैगा दे दिओ, मतलब कि भुख इन्नी लगी सी जी कि तड़का भी आप ही जाके लाउण लग अच्छा रख तो कोई काम ते छड़दे नहीं साडे सीएम, लॉन्स कलूजनर वांगू ऑलराउंडर ने ओह ते चक के उन्होंने सड़का भी ला दिता, ते फिर उन्होंने मेरे ख्याल दे नाल दाल सब्जी वगैरह जो कुछ तंदूरी रोटियां खादियां, आनंद आ गया, उसे तो केले खादे रैली चो राहुल वाली रैली टोपिए तो तड़का ला रहा होगा, पर आल जा उदो मन की गया उदो तृप्ति हो गई होनी है, खा के पांच सत तंदूरी रोटियां तो उधर भुख मर गई होनी हो की गया। खैर देखो ये गल ने मुखदरा दियां कह लो या कह लो कि कई बार बंदा जोड़ा है ना जो सोचता नहीं है वो भी हो जाता जो सोचता नहीं, पर मैं एक गल कहना हूं कि जो आप सोचते नहीं ना जो वो हो जाता है तो वो कितने ना कि वो भी होंगे जी जी वो भी शामिल होता उस चीज के जो असि एक्सैप्ट नहीं करते कई बार सानू मिल जाती है ना वो चीज के होंगे वो खुदा हो गया। खैर चलो गल ये तड़के शड़के लग रहे ने ਵਧੀਆ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦਾਸ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਚੋਣ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟ ਕੇ ਟੱਟ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਓ ਲਾਲ ਹੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਲਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੈਟਰ ਵੰਡੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਲ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਾਲ,
ਟੈਗਰ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਲਾਲ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਫੜੇ ਗਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਲ ਸੂਟ ਫੜੇ ਗਏ ਜਲੰਧਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਲ ਸਾਡਾ ਚੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੇ ਕਿ ਦਿਲਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੱਚੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਣ ਕਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮਿੰਟੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗਰਮ ਗਰਮ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੁੱਟਿਆ ਘਟੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਲੀਜ਼ ਮਿੰਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਊਂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੈ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਵੇਗਾ ਥੋੜਾ ਪਵੇ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤਾ ਪਵੇ ਪਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਬਣ ਕੇ ਧੂਰੀ ਚ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲੇਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਕਸਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੀਰੋ ਸੀਗਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਚਨ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਪਿਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਕਸਪਿਨਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਟ ਮੈਂ ਜੋ ਅਰਕ ਕੱਢਿਆ ਅਰਕ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਚ ਜੀ ਜੀ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦਾ ਅਰਕ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਅਰਕ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ ਅਰਕ ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਸਿੱਧੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸਵਾਈ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਮਿੱਤਰਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਆ ਵੌਇਸ ਆਫ ਸਿਟੀ 1320 AM ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਓਵੈਸੀ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਕਾਰ ਅਤੇ ਜੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਵਾਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਜੀ 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 ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਕਾਰ ਲੈ ਲਓ ਜੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਲਓ ਜਦਕਿ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਾਂ ਜੈਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ
बट क्योंकि यह भी एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, वैसे तो योगी आदित्यनाथ किसी समय सदन के रो पे सन मैंने सिक्योरिटी नहीं दिखती जा रही है, मैंने मरवाण फिर रहे हैं, तो अज वो कह रहे हैं कि ऑफर कर रहे हैं कि हाँ भाई असं तो सिक्योरिटी दे दें, सिक्योरिटी ले लो तुम। मेरे ख्याल के ना देखो जे तो खतरा लगता है तो कोई तो जरूर ले लेनी चाहिए है, पर जे तुम वो हमले की गल देखोगे ना वो कहानी किसी होर दिशा में जाती है, दिशा गांह पता नहीं किधर चले जाने है, क्योंकि जेड़े बंद ने हमला किया जेड़े पहली गल तो पुलिस की कहानी च बहुत जबरदस्त झोल है, जेड़े मैं दो तीन पांच नोट किए चलो बाद भी जा रहा, बट हूँ एक चीज होर निकल के आ रही है कि इस मामले के एक हमलावर भी इन्होंने अपने ही बंदे एक साल तो मित्रता है जेड़ा कि इन्होंने ही कैंडीडेट है यूपी के आप ही इनका, सो एंगल कई निकल आए हाले इंतजार करते हैं देखो की बनता, क्योंकि ओबीसी से पहले ही कई किस्म दिया छोटियां लागू की जाए, तो मैं चलो ये नहीं कहता कि कॉन्सपरेसी की है, बट इस कॉन्सपरेसी के किसी ना किसी कोई भी मोड़ आने की संभावना जरूर है, क्योंकि जेड़ा मतलब कि हमलावर है वो इन्होंने ही कैंडीडेट का मित्र है पिछले एक साल तो, लोकेशन तक भी उन्हें कली हुई है, वो कहता जी मेरे को उधर लोकेशन बहुत मांग रहे सन लोग, अच्छा लोकेशन आ जाए मतलब कि कितने आ जाए सब से मतलब कि इधर भी भेजी गई होनी है, बट बहुत कुछ है ये बहुत कुछ है देख लेते बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू। सुन रहे हो चावला न्यूज़ नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो।